वी आर कंटिन्यूइंग विद अ डिस्कशन ऑफ पैरल प्रोसेसिंग इन दैट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स आपको ये बताया गया कि जब भी हम पैरल प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और टास्क आपका कॉन्कोरेंटली एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास में एस आई एस टी स्ट्रक्चर एस आई एम डी स्ट्रक्चर एम आई एस टी और एम आई एम डी ये चार तरीके के पैरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में एस आई एस टी की बात की जाए सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम मीन्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को सिंगल डेटा स्ट्रीम से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में यूनी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं मल्टी प्रोसेसर नहीं यूनी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं एस आई एम डी में सिंगल इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको कि हम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स कहते हैं और यहाँ पर हमारे पास में वेक्टर प्रोसेसर्स भी देखने को मिलेंगे और एरे प्रोसेसर्स भी देखने को आपको मिलेंगे इसके बाद स्टूडेंट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम अब हमने क्या किया हमारे पास में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी उनको हमने कंबाइन कर दिया जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आई जिसको कि हम सिंगल डाटा स्ट्रीम से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम जिसको हम एम आई एम डी स्ट्रक्चर भी कहते हैं यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनको मल्टीपल डाटा स्ट्रीम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें हमारे पास में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है शेयर्ड मेमोरी की बात की जाए तो ये टाइटली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड ये लूजली कपल्ड होते हैं यहाँ पे आपको क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे आपने देखा हो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो टोटली बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी नाउ अब यहाँ पे प्रोसेसिंग किस तरीके की होगी एक तो सिमेट्रिक मल्टी देखने को मिलेंगे और ए एस एम पी एमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर देखने को मिलेंगे जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस होती है स्टूडेंट्स एस आई एस में हमारे पास में सिंगल प्रोसेसर होता है जो कि सिंगल इंस्ट्रक्शन को या स्ट्रीम को ऑपरेट करता है जो भी डाटा स्टोर हुआ होगा आपकी एक सिंगल मेमोरी में यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे यूनी प्रोसेसर्स होते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं नेक्स्ट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम इसकी बात करें यहाँ पर एक सिंगल मशीन कंट्रोल करती है सेमल्टेनियस एग्जीक्यूशन को जिसमें हमारे पास में नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं मींस हमारे पास में डाटा है सिंगल इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स बन गए हमारे पास में और इन एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसर से एस की बात की जाए तो ऐसे ही एस टी में हमेशा हमारे पास में आपको सिंगल प्रोसेसर मिलेगा लेकिन जहाँ पर भी मल्टीपल डाटा स्ट्रीम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं वहाँ पर हमारे पास में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आपको देखने को मिलते मीन्स ऐसे सिस्टम जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं जितने भी हमारे पास में प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं इन सब के पास में एसोसिएट होती है डाटा मेमोरी और यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है डिफरेंट डेटा सेट्स पे बाय डिफरेंट प्रोसेसर्स स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम्स यहाँ पर हमारे पास में जो भी डाटा है उसको सिक्वेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया ट्रांसमिट किया गया किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेसर पर और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है बेसिकली ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये कॉमर्शियली इंप्लीमेंटेड नहीं होता है मींस वी डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर लाइक दिस बट हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं उनकी बहुत सारी कोर्स होती हैं और ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट डाटा सेट्स पे रन कराते हैं इसमें हमें सिम सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग देखने को मिलेगी क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस भी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स पैरेलल कंप्यूटिंग की बात की जाए तो जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स देखे उन सब का कहीं ना कहीं यूज़ होता है और ये जो यूज़ है इनके एप्लीकेशंस की बात की जाए तो पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ डाटा में क्वेरी को सेव करने के लिए फैच करने के लिए डाटा माइनिंग करने के लिए डाटा को रिफ़ाइन करने के लिए किया जाता है अगर आप वहीं पे रियल टाइम सिमुलेशन देखते हैं तो आपको वहाँ पर भी पैरल कंप्यूटिंग का यूज़ देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। नेटवर्क वीडियोस एंड मल्टीमीडिया मीडिया ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की ज़रूरत होती है कोलेबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट हो देखिए जब हम कोलैबोरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ ऑगोमेंटिड रियलिटी के लिए भी किया जाता है एडवांस्ड ग्राफिक्स में इसका यूज़ होता है वर्चुअल रियलिटी में इसका यूज़ होता है तो पैरल कंप्यूटिंग सिस्टम्स जितने भी हमारे पास में एस आई एस डी एस आई एम डी एम आई एस डी एम आई एम डी ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली हमारे लिए एक सुटेबल पैरल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स पैरल कंप्यूटिंग में हमारे पास में एक कंप्लीट टास्क होता है उस कंप्लीट टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते कर सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलता है वो ये है कि टाइम एग्जीक्यूशन टाइम एक तो कम हो जाएगा दूसरा कॉस्ट जो होती है वो भी इसमें कम हो लगती है इट मीन्स वी कैन से डैट चीप कंपोनेंट आर यूज़ टू कंस्ट्रक्ट पैरल क्रस्टर्स तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे पैरल क्रस्टर्स को क्रिएट करने के लिए वो कॉस्टली नहीं होते हैं स्टूडेंट्स अगर मैं पैरेलल कंप्यूटिंग का या पैरेलल प्रोसेसिंग का सीरियल कंप्यूटिंग से कंपैरिजन करूं तो मैं किसी एक लार्जर प्रॉब्लम को एक शॉर्ट टाइम स्पैन में एग्जीक्यूट कर सकता हूं बट सीरियल कंप्यूटिंग अगर हो रही होगी तो देखिए सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसके लिए सीरियल कंप्यूटिंग इज़ फार बेटर दैन पैरेलल प्रोसेसिंग बट अगर मेरे पास में लार्जर टास्क है तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा कॉस्ट कम लगेगी अगर मैं पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करूँगा तो सिमुलेशन मॉडलिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना यहाँ पर पैरेलल को कंप्यूटिंग आपकी एक अप्रोप्राइट टेक्निक है इन कंपैरिजन टू सीरियल कंप्यूटिंग देखिए सिमुलेशन एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसका कि यूज़ ट्रेनिंग और मॉडलिंग के लिए किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर किसी को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है तो पहले एक सिंपल से एक सिमुलेशन मॉडल क्रिएट किया जाता है वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है देन दे विल गेट इन द रियल टाइम एनवायरमेंट सिमुलेशंस में भी आपको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स जब हमारे पास में लोकल रिसोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट स्टेट में हैं मींस हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस को अगर मैंने डिवाइड किया तो वी कैन गेट ए फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पे जो नॉन लोकल रिसोर्सेज होते हैं देखिए नॉन लोकल रिसोर्सेज की बात हो रही है इट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लस्टर्स की ठीक है तो क्लस्टर्स में आप हमेशा पैरल प्रोसेसिंग का ही यूज करते हैं नाउ स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम आर वेरी लार्ज एंड मे इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टू सॉल्व दैम ऑन अ सिंगल कंप्यूटर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरल कंप्यूटिंग हेल्प टू रिमीव दिस काइंड ऑफ इश्यूज देखिए हमारे पास में अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे पास में एक लार्ज प्रॉब्लम है और एक आप कह सकते हैं कि इम्प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है डेट कैन नॉट बी सॉल्व ऑन ए सिंगल कंप्यूटर फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आपको वेदर फॉरकास्टिंग करनी है आपको नॉटिकल माइल्स कैलकुलेट करने हैं आपको अर्थवेक की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे सिंगल कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे डाटा को कैप्चर भी करना है डाटा को मैनिपुलेट भी करना है डाटा को एग्जीक्यूट भी करना है रियल टाइम सिचुएशन से इसका कंपैरिजन भी करना है तो इट मींस यहाँ पे सिंगल सिस्टम्स का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे हम मल्टी प्रोसेसर्स का यूज़ करेंगे और मल्टी प्रोसेसर की हेल्प से ही डाटा को कैप्चर करना डाटा को मैनिपुलेट करना डाटा को एग्जीक्यूट करना डाटा का कंपैरिजन करना ये सारा का सारा वर्क आपका यहां पर पैरलली चलता रहता है तो यहां पर हम पैरल सिस्टम्स का ज्यादा यूज किया जाता है इन कंपेरिजन टू सिंगल सिस्टम्स नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात करूँ पैरल कंप्यूटिंग के वी कैन से डैट पैरल कम्प्यूटिंग अलाउ अस टू डू सेवरल थिंग्स इन ए टाइम बाई यूजिंग मल्टीपल कम्प्यूटिंग रिसोर्सेज यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम डाटा के डाटा कैप्चरिंग भी कर रहे हैं हम लोग और साथ साथ में डाटा का मैनिपुलेशन भी हो रहा है और उसका रियल टाइम से कंपैरिजन भी हो रहा है तो ये सारा का सारा वर्क आप पैरल कम्प्यूटिंग से कर सकते हैं पैरल कंप्यूटिंग इज मोर एडवांटेजियस देन सीरियल कंप्यूटिंग सीरियल कंप्यूटिंग में सिक्वेंशली सारी की सारी चीज़ें रन करती हैं और अगर मैं पैरल कंप्यूटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे पैरल एग्जीक्यूशन होता है डाटा सेट्स का तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास में एस आई एस एस आई एस टी मॉडल है हमारे पास में एस आई एम डी मॉडल है हमारे पास में एम आई एम डी मॉडल है और एम आई एस टी मॉडल है ये फोर आपके ऐसे मॉडल्स हैं जिनका पैरल प्रोसेसर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर पैरल प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है पैरल प्रोसेसिंग में आपको बताया गया कि सिंगल टास्क है हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है जिसको इंप्लीमेंट किया गया है सिंगल टास्क के थ्रू उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग एनवायरमेंट में होंगे और वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच